हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं संगीता अग्रवाल और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कितनी बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी ही पानी है। ऐसे रेनी सीजन में आपके लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी लेकर आई हूं, जिसका नाम है अदरक का छौंका। आप इसको अदरक का सूप या अदरक का पना भी कह सकती हैं। इस रेसिपी को बनाने में आपको बहुत कम समय लगेगा और बहुत कम सामान की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, जैसे समर में हम कच्चे आम का पना बनाते हैं और वो हमें लू और गर्मी से बचाता है, वैसे ही रेनी सीजन में हम इस अदरक के छौंके को बनाकर पिएंगे तो हमें सर्दी, बुखार, खांसी और पेट से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, अपच वगैरह की बिल्कुल भी नहीं होंगी। मेरे यहाँ तो नियमित रेनी सीजन में इसका एक कटोरी सेवन किया जाता है खाने के साथ और हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो इस आसान सी बहुत जल्दी से बनने वाली रेसिपी को देख लेते हैं, हमें किन चीजों की आवश्यकता है। अदरक का छौंका बनाने के लिए मैंने अदरक को ले लिया है। ये कच्ची अदरक है, इसी समय ये मार्केट में आती है। अब इसको अच्छे से धो करके हम छील लेंगे। अदरक को हमने अच्छी तरह से धो करके छील लिया है और फ्रेंड्स, अब हमें इसका जूस बनाना है। तो इसके लिए या तो आप अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में डालकर काट करके आधा कप पानी डाल करके मिक्सर में पीस लीजिए, या आप इसको ग्रेट कर लीजिए ग्रेटर से और फिर आधा कप पानी डाल करके मिक्सर में पीस लीजिए। फ्रेंड्स, मैं तो हमेशा पहले ग्रेट करती हूँ फिर मिक्सर में पीसती हूँ, जिससे इस आसानी से भी पिस जाता है और इसका जूस भी हमें ज्यादा प्राप्त हो जाता है। अदरक को हमने किसका तैयार कर लिया है, अब अदरक को हम मिक्सर में डाल देती हूँ। और आधा कप पानी डाल करके इसका पेस्ट बना लेती हूँ। अदरक पिसकर तैयार है, इसे बड़े कटोरी में ट्रांसफर कर देते हैं। अब इसमें हम 500 ml पानी मिक्स कर रहे हैं, उसके बाद इसको छान रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने ये चार आदमियों के लिए बनाया है, जिसमें 50 ग्राम अदरक का यूज किया है और 500 ml आधा लीटर पानी का यूज किया है। आप इसी रेशियो से बनाएंगे तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। अब इसको छान लेते हैं। अच्छी तरह से उसको दबा दबा करके निकाल लेते हैं। सारा जूस बनकर तैयार हो गया है। अब हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। गैस ऑन कर दी है हमने। अब इसमें 1/4 टीस्पून हम देसी घी डालेंगे। आप कुछ ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल की भी इसमें यूज कर सकते हैं। घी गरम हो गया है, दो चुटकी हींग की डाली। जैसे हींग कैरकल हो गई, अब हमने जो जूस बनाया था, पहले एक बार गैस बंद कर देंगे, इसको एक चम्मच से चला देंगे क्योंकि ये अदरक नीचे सेट हो जाती है। बना दी थी, गैस ऑन कर देती, फुल फ्लेम है इस वक्त। अब इसमें हमें एक अच्छा उबाल आने देंगे। सूप में उबाल आ गया है। अब उबाल आने के बाद हमें इसे केवल 2 मिनट और पकाना है। इस स्टेज पर हम 1 टीस्पून सफेद नमक डाल देते हैं और 1/4 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे। चला देते हैं। दो मिनट और पका करके हम गैस बंद करते हैं। दो मिनट हो गए, अब गैस बंद कर देते हैं। अब इस अदरक के सूप में हमें नींबू का रस भी ऐड करना है। अभी ये काफी गर्म है, जब ये आधे से भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा तभी हम इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे, नहीं तो ये फट सकता है। देखिए, हमने नींबू का रस निकाल कर तैयार कर लिया है। इतने 50 ग्राम अदरक के जूस में 1.5 नींबू का रस काफी है। अगर आपके नींबू में कम रस है तो आप 2 नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठंडा होने देते हैं इसे। अदरक का सूप काफी ठंडा हो गया है, थोड़ी बहुत भाप निकल रही है इसमें से। अब इसमें नींबू का रस ऐड कर देते हैं।
नींबू का रस डालते ही इसका रंग बदल जाता है और बहुत ही टेम्पटिंग बनने लगता है। इस तरह अदरक का जूस पीने के लिए तैयार है। आप इसे जब भी सर्व करें तो चलाकर ही सर्व करें क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये गुनगुना ही पीने में ज्यादा फायदा करता है। आप इसे ठंडा भी पी सकते हैं और फ्रिज में रख करके आप इसे 2 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया पत्ती से गार्निश कर देते हैं। इस तरह फ्रेंड्स, इस बारिश के मौसम में आप इस टेस्टी और हेल्दी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। मैं आशा करती हूँ आप सब हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। फिर मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।